तो कल हम गए थे सरोजनी नगर मार्केट। वैसे तो हर जगह हम हमारी स्कूटी पे ही जाते हैं, लेकिन कल काफी दिनों बाद हमने मेट्रो से ट्रैवल किया क्योंकि हमारे साथ हमारी फ्रेंड सारिका भी जा रही थी। और मार्केट पहुंचते ही हमें लड़का मिला जो बोल रहा था, आजा मैडम आजा हमारी दुकान से टैटू बनवा लो। भाई टैटू का तो पता नहीं, लेकिन इन 5-5 किलो के डंबल से मैंने मेरे डोले शोले जरूर बना लिए कद्दू के साइज का। भाई ये 50 रुपए का डंबल अमरूद था, बहुत टेस्टी। फिर हम काफी सारी शॉप्स पे गए, काकू ने इतने सारे कपड़े ट्राई करके देखे कि मैं तो बैठे बैठे ही थक गई और मेरे को भूख लग गई। फिर हम चले गए सीधा मोमोज खाने। यार मोमोज तो टेस्टी थे, लेकिन वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही थी तो इस मोटे के सर में दर्द होने लग गया, इसलिए मैं चला गया इसको टोपी पहनाने, टोपी दिलाने। मैं तो बिना टोपी के सही लगता, मेरे को कोई टोपी पहना नहीं सकता ना। तो फाइनली हमने ब्लैक कैप सेलेक्ट की, लेकिन मोमोज खा के इस मोटे के पेट में गर्मी बन गई। तो मोटे के पेट की गर्मी मिटाने हम चले गए आइसक्रीम खाने। लेकिन शॉप पे जाके हमने आइसक्रीम नहीं ली क्योंकि मुझे दिखा बबल टी का पोस्टर, मैंने कभी भी ट्राई नहीं की थी। काकू को तो ये अच्छी लगी लेकिन मेरे को नहीं अच्छी लगी। यार इसका शेक ठीक था लेकिन ये ना मेंढक के अंडे जैसे गिलगिले लग रहे थे और इतना चबाना पड़ रहा था, मेरे को नहीं अच्छा। एट लास्ट हमने सारिका को भी हमारी फेवरेट आइसक्रीम ट्राई कराई और उसको वो बहुत अच्छी लगी। देख लो भाई इस मोटे ने कितना खर्चा करा दिया मेरा कल। तो मेरे कपड़े ना इसमें आपको तो जैसे ही।